पे कार्लो मास्टर्स रूथलेस राफेल नडाल ने ग्रेगोर डिमिट्रोव को हराया। 11वें मोनाको शीर्षक के लिए केई निशिकोरी का सामना। विश्व नंबर एक राफेल नडाल ने ग्रेगोर डिमिट्रोव को अपने 12वें मोनाको कार्लो मास्टर्स फाइनल में शनिवार को 6-4, 6-1 की जीत के साथ आसानी से हटा दिया, जबकि केई निशिकोरी ने अलेक्जेंडर जेवेव को बाहर कर दिया। 31 वर्षीय नडाल को रोजर फेडरर से पहले नंबर एक रैंकिंग बनाए रखने के लिए 11वां मोनाको खिताब जीतने की जरूरत है और रविवार के फाइनल में जापान की निशिकोरी के खिलाफ लाल गर्म पसंदीदा होगा। राफेल नडाल ग्रेगोर डिमिट्रोव के खिलाफ सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद मनाते हैं रायडा। राफेल नडाल ग्रेगोर डिमिट्रोव के खिलाफ सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद मनाते हैं रायडा। 12 मीटिंग्स में 11वें समय के लिए डिमित्रोव को हराकर नडाल ने जोर देकर कहा, मुझे सच में परवाह नहीं है कि मैं पसंदीदा हूँ या मैं पसंदीदा नहीं हूँ। मैं अदालत में जाता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पसंदीदा हूँ या मैं पसंदीदा नहीं हूँ। नडाल पहले तंग सेट के माध्यम से आया लेकिन हमेशा दिमित्रोव के लिए बहुत मजबूत लग रहा था और दूसरे के माध्यम से आधे घंटे में दौड़ गया। वह मिट्टी पर बहुत अच्छा खेल रहा है, उसके रूप में सरल सामरिक रूप से और बाकी सब कुछ, दिमित्रोव स्वीकार किया। यह हम में से बहुत से दर्द होता है, ऐसे कई खिलाड़ी जो शायद शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं। शीर्ष सीट इस हफ्ते 31वें मास्टर्स खिताब के लिए पूरी तरह से रिकॉर्ड करने के लिए बोली लगा रही है और लगातार तीसरे सेट मोंटे कार्लो खिताब पर बंद होने के बाद लगातार मिट्टी पर जीतने वाले अपने सेट को बढ़ाकर 34 कर दिया। नडाल ने कहा, पहले से ही 12 फाइनल होने के नाते कल्पना करना मुश्किल है, 10 जीतने के लिए भी कल्पना करना मुश्किल है। हमारे खेल में ऐसी चीजों के बारे में सोचने और सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है जो हुआ है या नहीं हुआ है। जब मैं सेवानिवृत्त हो जाता हूँ तो शायद हमें इसके बारे में सोचने का मौका मिलेगा। मैंने जो कुछ किया है वह कितना मुश्किल था। नडाल ने अपना पहला एटीपी टूर्नामेंट खेलकर जनवरी में मैरिन सिलिक के खिलाफ अपने ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्वार्टर फाइनल में सेवानिवृत्त होने के बाद से हिप चोट के साथ जंग का कोई संकेत नहीं दिखाया। डोमिनिक थिम के 6-0, 6-2 के आखिरी 8 विध्वंस के बाद नडाल ने इस सप्ताह 4 मैचों में केवल 16 गेम गंवा दिए हैं। दिमित्रोव ने तत्काल नडाल की सेवा को दबाव में डाल दिया और 2 पूरी तरह से न्याय करने वाले लॉब्स के साथ दबाव डाला, लेकिन शीर्ष बीज 8 मिनट के सलामी बल्लेबाज के माध्यम से आया। नडाल ने लंबे समय तक रैली में संघर्ष करने के रूप में दिमित्रोव के रूप में पूछने के पहले समय तोड़ने के लिए अपने कदम में उतरने में काफी समय नहीं लगाया। बल्गेरिया अपने शॉट्स के लिए आगे बढ़ते रहे और खेल 5 में 3 ब्रेक बैक पॉइंट लाए, क्योंकि नडाल ने 2 तरफ से ग्राउंड स्ट्रोक के साथ डबल गलती का पीछा किया। नडाल ने लंबे समय से निकाल दिया। इससे पहले डिमित्रोव ने एक विषम फोरहैंड के साथ 3-3 पर स्तर पर ब्रेक पॉइंट बचाया। चौथा बिज नडाल को अपनी पसंदीदा सतह पर धकेलने के लिए आवश्यक संकल्प को प्रदर्शित कर रहा था और फिर से ब्रेक पॉइंट से वापस आया, क्योंकि स्पेनियर ने मौका गंवा दिया था। लेकिन दिमित्रोव ने अपने पहले के अच्छे काम को बर्बाद कर दिया। नडाल को 2 सेट पॉइंट्स को बैक टू बैक डबल गलतियों और जंगली फोरहैंड के साथ सौंप दिया। 16 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने सेट पर एक वीप्ड फोरहैंड के साथ सेट को लपेट लिया। जब मैं टूट गया तो यह मेरी गलती थी, उसके रूप में सरल विश्व के 5-5 दिमित्रोव ने कहा। 2 डबल दोष, यह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है, खासकर जब आप उस सतह पर उसके खिलाफ खेलते हैं। इससे प्रभावी रूप से दिमित्रोव की संभावना समाप्त हो गई।
और नडाल ने दूसरे सेट में लगातार दो बार प्यार किया। इससे पहले कि एक व्यापक डिमिट्रोव बैकहैंड ने एक और आरामदायक जीत हासिल की, निशिकोरी ने जेवेव को 3-6, 6-6, 3-6, 4 सेकंड हराकर 2016 में टोरंटो के बाद अपने पहले मास्टर्स फाइनल में पहुंचने के लिए एक सेट से वापस लड़ा। जापानी खिलाड़ी ने सही कलाई की चोट से संघर्ष किया है, जिसने उन्हें पिछले सीजन के आखिरी चार महीनों में याद करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन मोंटे कार्लो में अपनी सर्वश्रेष्ठ वापसी की है। पूर्व विश्व नंबर 4 जो अब 36वें स्थान पर हैं, ने थके हुए जेवेव को पहनने के लिए काफी कुछ किया, जो शुक्रवार को अपने 21वें जन्मदिन पर रिचार्ड गैस्क्वेट के साथ देर रात थरेला के माध्यम से आए। निशिकोरी ने पिछले तीन मैचों में मैरिड में नडाल के खिलाफ 4 साल पहले मैचों में एक मास्टर्स खिताब जीता था, जिसमें 4 साल पहले मैरिड में घायल सेवानिवृत्त होने से पहले एक सेट और ब्रेक का नेतृत्व किया गया था। उन्होंने 2016 ओलंपिक कांस्य पदक मैच में नडाल के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीता, लेकिन उन्होंने उन्हें मिट्टी पर कभी नहीं मारा।